आज के इस शानदार और जानदार प्रदर्शन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में नई शराब नीति लेकर आए थे तो विधानसभा में चर्चा हुई थी। हमने अरविंद केजरीवाल से विधानसभा के अंदर पूछा था कि अरविंद केजरीवाल, शराब के ठेकेदारों का कमीशन आपने 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया, जिन क्षेत्रों में कानून शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी कैंप हो, चाहे वो रिहायशी क्षेत्र हो, उनमें भी आपने शराब के ठेके खोलने की अनुमति दे दी, ड्राई डेज की संख्या कम कर दी गई। यदि शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसकी जांच सरकार नहीं करेगी, बल्कि उसकी जांच शराब के ठेकेदारों की लैब में होगी। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि इस नई शराब नीति से दिल्ली सरकार की आय 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपया हो जाएगी। मैंने विधानसभा के अंदर खड़े होकर एक बात कही थी, आज भी वो रिकॉर्ड पर है, कि अरविंद केजरीवाल जो नई शराब नीति आप लेकर आए हैं, गली गली में जो शराब के ठेके खोलने की आपकी योजना है, दिल्ली के लोगों को जो आप शराबी बनाना चाहते हैं, युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, मैं आज इस विधानसभा के अंदर खड़ा होकर कह रहा हूं, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट में हूं, मिनिस्टर का मेरा दर्जा है, सेकंड टू चीफ मिनिस्टर हूं इस हाउस के अंदर। यदि ये नई शराब की नीति आपने वापिस नहीं ली तो मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं भगवान राम की सौगंध खाता हूं कि मैं दिल्ली विधानसभा से इस्तीफा देकर, लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से इस्तीफा देकर मैं अपने घर चला जाऊंगा। ये रिकॉर्ड के ऊपर है। उसके बाद दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने फैसला लिया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन शुरू किया जाएगा। मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय श्री सिद्धार्थन जी को बहुत बहुत उनको बधाई भी देना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आज ये हजारों करोड़ रुपए का यदि घोटाला पकड़ा गया है, ये नई शराब नीति को वापिस लेने के लिए अरविंद केजरीवाल मजबूर हुआ, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो उसमें अपनी जान लगा दी। अपने कार्यकर्ताओं को जितनी बधाई दे, जितनी शाबाशी दे, वह कम होगी। लेकिन संगठन महामंत्री ने कहा हर तरह का सहयोग पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, पार्टी के पदाधिकारियों को, पार्टी का मिलेगा, लेकिन हर कीमत पर इस नई शराब नीति को वापस करवाना है। आप लोगों ने दिल्ली में चक्का जाम किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहां कानून का उल्लंघन करके शराब के ठेके रिहायशी क्षेत्रों में खोले, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो महिला थी चाहे वो पुरुष थे, रातों रात बेचारे धरने के ऊपर भी बैठते थे, पुलिस की लाठियां भी खाई, हर तरह के जुल्म का मुकाबला भी किया। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदरणीय अध्यक्ष जी आज बधाई देना चाहता हूं कि मुझे सैकड़ों शराब के ठेकों पर जाने का मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस मजबूती के खिलाफ इस अरविंद केजरीवाल की नई शराब नीति के विरोध में मैदान में डटे हुए थे, इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी, और मैंने उस समय कहा कि इसमें कम से कम 5-6 हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने स्वीकार किया है कि जब यह नई शराब नीति नहीं आई थी तो पुरानी शराब नीति से दिल्ली को एक्साइज के रूप में 7,000 करोड़ रुपया मिलता था और इस नई शराब नीति आने के बाद एक साल में केवल 4,000 करोड़ रुपया मिला,
3000 करोड़ रुपए का तो दिल्ली सरकार को घाटा हुआ, जिसको अरविंद केजरीवाल की सरकार ने विधानसभा के अंदर स्वीकार किया है। 6000 करोड़ रुपए का एक घोटाला था, अभी तो 100 करोड़ रुपए की किस्त आई है। अरविंद केजरीवाल, मैं आज कहना चाहता हूं कि इस दिल्ली को मोहम्मद गोरी ने भी लूटा है, इस दिल्ली को गजनी ने भी लूटा है, एमएस सावदानी ने भी लूटा है, तैमूर लंग ने भी लूटा है और नादिर शाह ने भी लूटा है, इस दिल्ली को अंग्रेज ने भी लूटा है और इस दिल्ली को आज अरविंद केजरीवाल तुम भी लूट रहे हो। तुमने इस दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के दमखम की बदौलत नई शराब नीति वापस हुई, दिल्ली शराब नगरी बनने से बची। हमने दूसरा मुद्दा उठाया था अध्यक्ष जी विधानसभा के अंदर कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के लिए जो डीटीसी की बस खरीद रही है, इसमें 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वो लड़ाई पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने लड़ी, विधानसभा के अंदर भाजपा के विधायकों ने लड़ी। डीटीसी घोटाले में अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, उसकी जांच हो रही है। अरविंद केजरीवाल को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। हमने एक तीसरा मुद्दा आदरणीय अध्यक्ष जी उठाया था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को जो टैक्स का पैसा है उसको अपने प्रचार पर लुटा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो सरकार 11 करोड़ रुपया हर साल प्रचार के ऊपर खर्च करती थी, और अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री के बनने बाद उन्होंने अपनी पार्टी के प्रचार के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपया पिछले 8 सालों में खर्च किया, और इस साल 675 करोड़ रुपया उन्होंने प्रचार के ऊपर वो खर्च कर रहे हैं। हमने कहा कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। मामला हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अरविंद केजरीवाल तुम्हारा ये फैसला गलत है और 163 करोड़ रुपया आप दिल्ली सरकार को लौटाइए। दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अरविंद केजरीवाल को कहा कि 163 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को लौटाइए। ये लड़ाई लड़ी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली प्रदेश के नेताओं ने। आज दिल्ली की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, दिल्ली में सड़कें टूटी पड़ी है, कोई फ्लाईओवर नहीं बन रहा, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया जा रहा है, दिल्ली के अंदर कोई कॉलेज नहीं खोला गया, कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया गया। दिल्ली में आज जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, ओल्ड एज पेंशन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 5 सालों से बंद कर दी है। मोदी जी की सरकार यदि गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है तो अरविंद केजरीवाल ने राशन कार्ड बनाने के ऊपर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। दिल्ली को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना दिया है, और अभी जल बोर्ड ने जो पानी के सैंपल उठाए हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि 365 सैंपल फेल हो गए। दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है कि ये दूषित पानी हम दिल्ली के लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, इस पानी को पीकर दिल्ली के लोगों का पेट खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है। अरविंद केजरीवाल, तुम दिल्ली के लोगों को दूषित पानी भी पिलवाओगे, स्कूल नहीं खोलोगे, कॉलेज नहीं खोलोगे, फ्लाईओवर नहीं बनाओगे, डीटीसी के लिए बस नहीं खरीदोगे, गैस टीचर्स को रेगुलराइज नहीं करोगे और 1000 करोड़ रुपए के डाके डालोगे, तो आज हम ऐलान कर रहे हैं कि अभी 3 घोटाले सामने आ गए हैं। भविष्य में इस लड़ाई को श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, जो हमारे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के सहयोग से, आशीर्वाद से इस लड़ाई को और तेज करेंगे। मैं ये आज ऐलान करना चाहता हूं, विधानसभा के अंदर पार्टी लीडरशिप जो डायरेक्शन देती है, इस बार भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने, प्रदेश के संगठन महामंत्री ने,
भाजपा के विधायकों को जो लाइन दी, हमारी संख्या कम हो सकती है लेकिन चार दिन हमने अरविंद केजरीवाल की विधानसभा के अंदर उसकी ऐसी तैसी मारकर रखी। एक तरफ 62 लोग थे, पूरी सरकार थी, और दूसरी तरफ भाजपा के ये 8 विधायक थे जो आपके आशीर्वाद से चुनकर विधानसभा के अंदर गए हैं। पूरी दिल्ली आज कह रही है, जैसे हमारे श्री कुलजीत चहल जी ने कहा, मुझे वो सीन कभी मैं भूल नहीं पाता हूँ, जब एनडीएमसी की बैठक हो रही थी और श्री कुलजीत चहल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछा कि आप एनडीएमसी की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप बताओ कि आपने अपने क्षेत्र में कोई स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल यदि खोला है, आप अपने क्षेत्र में कितनी बार क्षेत्रवासियों को मिलने के लिए गए हैं। जब वो जवाब नहीं दे पा रहे थे तो कुलजीत जी ने बार बार कहा, मुख्यमंत्री जवाब दो, जवाब दो, तो मुख्यमंत्री बैठक छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मैं कुलजीत आपको बधाई देना चाहता हूँ सवाल के। और उसी तरह से भाजपा के विधायकों ने अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में भगाया है, और दिल्ली में श्री वीरेंद्र सरदेवा जी की लीडरशिप में पार्टी के लाखों कार्यकर्ता, चाहे वो 2024 में लोकसभा का चुनाव हो, चाहे 2025 में विधानसभा का चुनाव हो, ये आम आदमी पार्टी तुम्हारी ताकत के सामने भाग खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद रामवीर जी। साथियों, रामवीर जी ने बताया कि जनता की लड़ाई जंगल राज के खिलाफ है। ये उस जंगल राज के खिलाफ है जिसे विधानसभा में रामवीर सिंह जी पूरी ताकत से उसकी बोलती बंद रखते हैं, चाहे प्रदूषण हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे जनता के स्कूल से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, और हम एनडीएमसी में रखते हैं और दिल्ली के कार्यकर्ता या दिल्ली की लड़ाई सड़कों पर रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक टीम के रूप में अरविंद केजरीवाल को जब तक इस विधानसभा से उखाड़ नहीं फेंकेगी और इस भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर देगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। साथियों, हमारे यहां कई मंडल अध्यक्ष, निगम पार्षद और पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये लड़ाई आने वाले दिनों में मंडल पर, विधानसभा स्तर पर जानी है, उसकी रूपरेखा आपके पास आएगी। मैं सीधा निवेदन करता हूं अपने पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से कि अपनी ओजस्वी वाणी से सभी साथी कार्यकर्ताओं को इस जनता की लड़ाई में, जन आंदोलन में संबोधित करें। सचदेवा जी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। दोनों हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की जय। अभी कुछ लोग रह गए, दोनों हाथ उठा लिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह गदोड़ी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान अशोक गोयल जी, जयवीर राणा जी, बहन वरका जी, राजम तिवारी जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन योगिता जी, प्रदेश के मंत्री इमप्रीत सिंह बख्शी जी, और आज के इस प्रदर्शन के प्रमुख हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल जी। दोस्तों, मैं अपनी बात रखूं, एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए अपने लिए, दोनों हाथ जोर से, क्योंकि आप लोग वो कार्यकर्ता हो जिसके बल पर अरविंद केजरीवाल को यह शराब की नीति वापस देनी पड़ी। ये आप लोगों का संघर्ष था जिसने केजरीवाल को घुटने टेकने पर मजबूर किया और इस शराब नीति का पर्दाफाश हुआ। दोस्तों, करोड़ों, हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला है। विजय नायर जेल में बंद है। अब विजय नायर कौन है? विजय नायर अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ है। आपको हैरानी होगी सुन के, विजय नायर रहता कहां था? वो रहता था अरविंद केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत के घर पर, सरकारी आवास था। और मजे की बात है, कैलाश गहलोत खुद सरकारी आवास में नहीं रहते थे।
तो सोचिए इस भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। अरविंद केजरीवाल के कार्यालय में बैठकर शराब की नीति तय की जाती है, ये हम नहीं कह रहे हैं। जो आरोपी पकड़े गए हैं वो पुलिस को बयान दे रहे हैं, ईडी को बयान दे रहे हैं, ईडी के सामने खुलासा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के कार्यालय में बुलाकर शराब की नीति तय की जाती थी, 12% कमीशन कैसे तय हो वो तय की जाती थी, 12% में से 6% कमीशन वापस आ जाए वो तय की जाती थी, ये सब अरविंद केजरीवाल के कार्यालय में होता था। और इसके सूत्रधार थे उनके डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। ईडी ने जो दस्तावेज इकट्ठे किए हैं, जैसा भी रामवीर जी कह रहे थे कि 3000 करोड़ घोटाले का तो उन्होंने खुद स्वीकार किया विधानसभा में, लेकिन ये घोटाला उससे ज्यादा बड़ा है। पूरी दिल्ली को नशे में झोंकने का एक ऐसा घृणित प्रयास अरविंद केजरीवाल ने किया है जिसके लिए दिल्ली की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। दोस्तों, इस घोटाले में पूरी की पूरी सरकार इसमें संलिप्त है और अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। जब श्री अरविंद विजय नायर सीधा सीधा कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के सामने बैठ के नीति बनती थी, पैसे तय होते थे, तो आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को कुर्सी पर रहने का अधिकार है? अरविंद केजरीवाल को कुर्सी पर रहने का अधिकार है? अरविंद केजरीवाल को कुर्सी पर रहने का अधिकार है? तो क्या करना चाहिए? अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे नहीं, क्योंकि उनमें नैतिकता नाम की चीज नहीं है। आप उस समय याद कीजिए जब माननीय मदनलाल खुराना जी हमारे मुख्यमंत्री थे, जैन डायरी कांड में छोटा नाम उनका आया, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिकता की प्रकाष्ठा दिखाई, आगे आके स्वयं इस्तीफा दिया और कहा जब तक मैं बड़ी नहीं हूं दोबारा कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और वो जब बड़ी हुए दोबारा वो आए, लेकिन अरविंद केजरीवाल इतने दूर थे, इतने चलाक हैं, ये इस्तीफा नहीं देंगे तो हमें क्या करना है? इस्तीफा लेना नहीं, उसकी कुर्सी लेकर तोड़नी है, उसको दिल्ली से बाहर भगाना है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से बाहर भगाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें इस संघर्ष को दिल्ली की गली गली में लेके जाना होगा, इस संघर्ष को दिल्ली की हर गली में लेके जाना होगा। और तब तक हमारा कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा जब तक अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाना दे। जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। 2015 से अरविंद केजरीवाल नामक दीमक इस दिल्ली को चिपट गई है, जो धीरे धीरे दिल्ली को खोखला कर रही है, दिल्ली के विकास को खा रही है। और हम सब कार्यकर्ता को अब इस दीमक पर स्प्रे करना है, इसका सत्यानाश करना है। और वो सत्यानाश होगा संघर्ष से, वो सत्यानाश होगा हमारे आंदोलन से, वो सत्यानाश होगा हमारी मेहनत से। तो हम सबको हाथ उठाकर एक बार फिर बोलना है, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो।